जय हिंद। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलजीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2022-23 के लिए हमारा टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, जिसका आज हम लोग 14वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले 13 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए दोस्तों, और हर पार्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन लिए। 13 दूनी 26 यानी 260 क्वेश्चन हम लोगों ने अपलोड कर दिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये सीरीज एग्जाम के अंदर छपेगी, और प्रतिदिन एसएसजीडी के अगर एग्जाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो उत्कर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मैं आपको बता दूं, उत्कर्ष एकेडमी खिलजीपुर प्रतिदिन स्टूडेंट के हमेशा स्टूडेंट के लिए मेहनत करता है, और दोस्तों एक ही हमारा उद्देश्य है कि स्टूडेंट की सफलता। प्यारे साथियों, समय ना गवाते हुए चलते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपके सामने ये रहा, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। डायनासोर थे, हमें बताना चार ऑप्शनों में से डायनासोर क्या थे। सही जवाब हो जाएगा इसका डी वाला ऑप्शन, यानी कि सरीसृप जो लुप्त हो गए। दोस्तों, डायनासोर हमारे देश से क्या हो गए, लुप्त हो गए, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट आईएमपी महत्वपूर्ण तथ्य आप समझिएगा, एग्जाम में छपेंगे दोस्तों। डायनासोर का अर्थ होता है दोस्तों यूनानी भाषा में छिपकली, याद रखिएगा। डायनासोर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, छिपकली। अपने देश से लुप्त हो गए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दो नंबर समझिएगा, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य, जो दोस्तों भारत में नागरिक है ना, जितने भी नागरिक है सबके कितने मौलिक कर्तव्य है, ये आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा 11, यानी दोस्तों भारतीय नागरिकों के टोटल 11 मौलिक कर्तव्य, दिमाग में छाप के रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी इसकी समझिएगा। भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। संविधान में इस भाग को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसे संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। अति महत्वपूर्ण जानकारी है, छाप लेना साथियों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करें और कमेंट जरूर किया करें साथियों। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अति महत्वपूर्ण है, छाप लीजिएगा। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना दोस्तों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो यह अनुच्छेद याद रखना 217 है दोस्तों, इसी के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। आगे और अति महत्वपूर्ण समझिएगा, उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 में है दोस्तों। भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, ये बात छाप के रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा दोस्तों 62 साल में रिटायर्ड हो जाता है, इतना आपको छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, मूल लागत किसके बराबर होती है। अति महत्वपूर्ण है, छाप के रखना, मूल लागत किसके बराबर होती है। सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला सही जवाब। तो दोस्तों, परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग मूल लागत के बराबर होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। अति महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, समताप मंडल। यानी समताप मंडल में वायुयान जो उड़ते हैं ना दोस्तों, समताप मंडल में उड़ते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अति महत्वपूर्ण जानकारी, समताप मंडल से याद रखो 18 से 32 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है दोस्तों समताप मंडल की होती है, और इसमें ताप जो होता है ना दोस्तों समान होता है, इसीलिए इसका नाम जो है ना समताप मंडल, याद रखिएगा। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, शोभ मंडल जो ऑप्शन नंबर ए में दिया ना, शोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है दोस्तों। एग्जाम में पूछता है पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा बताओ, शोभ मंडल बताना है। इसी परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुधुंद तथा सभी मौसमी घटनाएं होती है। एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों, ये जो घटनाएं सारी ये किस मंडल में होती है, बताइएगा शोभ मंडल, शोभ मंडल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर,
बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1971। वेरी मोस्ट आईएमपी डी वाला सही जवाब। 1971 में बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था, इतना छाप के रखना है और अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिए। बांग्लादेश की राजधानी अगर पूछे ना साथियों, आपको बताना है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और अगर मुद्रा पूछी जाए बांग्लादेश की कौन है दोस्तों, तो बताना है टका यहाँ की मुद्रा है। और उसके बाद यदि पूछा जाए यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए दोस्तों, तो शेख हसीना बताना है। शेख हसीना जुल्फो वाली ऐसा करके याद रखिएगा, शेख हसीना बांग्लादेश की क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री है। अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको छाप के रखना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? अति महत्वपूर्ण छाप लेना। याद करोगे दोस्तों उत्कर्ष एकेडमी को, प्रतिदिन इस क्लास से जुड़ जाइए, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज दोस्तों जो ये है, ये है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिए इससे। गोल गुंबज बीजापुर में, बीजापुर के सुल्तान अहमद आदिल शाह का मकबरा है दोस्तों, और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपको छाप के रखना है। आगे बढ़ जाता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। विजयनगर राजवंश की स्थापना हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा हम्पी जो है किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा बी वाला सही जवाब होगा, यानी तुंगभद्रा। दोस्तों हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी। एग्जाम में इस चीज को कई तरीके से पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है, तो हम्पी बताना है। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य अति महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना 1336 में हुई थी, यह भी छाप लेना है दिमाग के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य बताओ। अति महत्वपूर्ण है सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत में अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य का है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अब टॉप अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य अगर पूछे तो गोवा बताना बेटा। आगे यदि बात करें गोवा का क्षेत्रफल कितना बेटा, तो याद रखिएगा 3702 वर्ग किलोमीटर है गोवा का क्षेत्रफल। अच्छा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 3,42,239 किलोमीटर वर्ग सही जवाब है। छापिएगा अति महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आगे समझिए, राजस्थान की राजधानी आपको समझना है जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है दोस्तों। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र है दोस्तों। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ उत्कर्ष एकेडमी नाम है इसका, और अगर आप एग्जाम क्वालिफाइड करना चाहते चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे कई एक से एक वीडियो आपके पास आने वाले हैं। और यकीन मानिए उत्कर्ष एकेडमी ओनली फॉर स्टूडेंट के हित में काम करता है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अति महत्वपूर्ण जवाब है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नाइके, इनका नाम है याद रखिएगा, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिए, श्री माओ भंडार नाइके वर्ष 1960 में देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था इन्होंने, याद रखिएगा। और श्री माओ भंडार नाइके जो है दोस्तों श्रीलंका की महिला है, तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, श्री माओ भंडार नाइके, इनका नाम नहीं भूलना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? वेरी मोस्ट टाइम भी जानकारी दोस्तों, पहला जब भी आ जाता ना एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है भानु अथैया, ए वाला सही जवाब हो जाएगा, भानु अथैया। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिए, भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड बेटा 1982 में मिला था, छाप लेना दिमाग में। फिल्म गांधी के लिए इनको यह ऑस्कर अवार्ड मिला था, यह वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी है, अति महत्वपूर्ण है। आगे समझिए दोस्तों, जो ऑस्कर अवार्ड है ना, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 16 मई 1929 में हुई थी, ये बात आपको छाप के रखना है। ऑस्कर अवार्ड का क्षेत्र किस क्षेत्र में दिए जाते हैं दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इतना ऑस्कर अवार्ड से आपको याद रखना। नेक्स्ट 12 नंबर समझिएगा, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी?
हर एक क्वेश्चन आपको टॉप क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, यानी ए वाला सही जवाब हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी। आगे बढ़ जाते हैं, अति महत्वपूर्ण स्वर्ण मंदिर कहां पर है दोस्तों, तो पंजाब में, याद रखिएगा अमृतसर पंजाब में है स्वर्ण मंदिर। गुरु अर्जुन देव ने इसकी क्या की थी, स्थापना, दिमाग में छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था, वेरी मोस्ट टाइम पी है। आगे बढ़ते हैं, अति महत्वपूर्ण इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि रामानुजाचार्य। दोस्तों रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र के क्या थे, प्रतिपादक थे, दिमाग में छाप लेना जानकारी को। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट नंबर 14, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, कोयना जल विद्युत परियोजना बताना है, परियोजना अति महत्वपूर्ण होती है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, ए वाला सही जवाब है, महाराष्ट्र में कोयना जल विद्युत परियोजना। अब समझिएगा महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की मुंबई है राजधानी और सीएम है यहाँ के एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। इतनी जानकारी भी छाप लीजिएगा दिमाग में। अगला क्वेश्चन आपको समझना है, अच्छे से समझना साथियों, और पूरे वीडियो को अंत तक देखा करो, एग्जाम के अंदर याद आएगा कि ये क्वेश्चन वाकई में पढ़ा था और कई जानकारियां आपके दिमाग में छप जाएंगी तुरंत। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन गुजरात। गुजरात दोस्तों भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक देश है, दिमाग में छाप लीजिएगा जानकारी को। अब गुजरात से समझिएगा, राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, और गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान फेमस है दोस्तों, तो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का गुजरात में दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान, या मिसप्रिंट हुआ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, इतना दिमाग में छापिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, अति महत्वपूर्ण छापिएगा, संविधान का संशोधन एग्जाम में आ सकता है, 56वां, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का क्या मिला था, दर्जा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गोवा था दोस्तों पुर्तगालियों के कब्जे में था और 19 दिसंबर 1961 को, याद रखिएगा गोवा पुर्तगालियों से क्या हुआ था, मुक्त हुआ था, इतनी जानकारी भी आप छाप लीजिएगा। आगे और समझिएगा, गोवा की जो राजधानी है वर्तमान में पणजी है, और पणजी दोस्तों एग्जाम में पूछता है किस नदी के किनारे बसी है, तो मांडवी नदी के किनारे है पणजी, और गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट जानकारी समझिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17, एतमाद उल दौला या इतिमाद उल दौला का मकबरा कहाँ है, अति महत्वपूर्ण छापिएगा, अति महत्वपूर्ण। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों किताबों में नहीं मिलेंगे, एग्जाम में मिलेंगे सीधे। आगे बढ़ते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी औरंगाबाद में। उत्माद ए दौला या इतिमाद उद दौला, सही जवाब है दोस्तों ए वाला आगरा। तो साथियों इसमें मिसप्रिंट हुआ है, आप समझिएगा, आगरा में है ये मकबरा कहाँ पर है, याद रखिएगा आगरा। ये क्वेश्चन के ऑप्शन जो है हमारे टाइपिस्ट ने गलत रखे हैं, समझिएगा आगरा, अति महत्वपूर्ण जानकारी है, समझ के रखना है। अब आगे समझो, आगरा से क्वेश्चन बन सकता है किस नदी के किनारे बसा, यमुना नदी के किनारे है दोस्तों आगरा, ये भी आपको छाप के रखना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, अति महत्वपूर्ण है अनुच्छेद, तो एग्जाम में एक छपेगा, ये मैं आपसे आज बोल रहा हूँ दोस्तों, याद रखिए। जो अनुच्छेद 76 है दोस्तों भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। अब अति महत्वपूर्ण बात और समझिएगा डिटेल को, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, छाप लेना, एग्जाम में पूछ लेता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय क्या थे दोस्तों, खेल से रिलेटेड है, ये सुतीर्थ मुखर्जी कौन थे, तो याद रखिएगा डी वाला सही जवाब, टेबल टेनिस खिलाड़ी थे दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुपूर्त तीर्थ मुखर्जी, इनका नाम आपको छाप के रखना है दिमाग के अंदर। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 20, यानी 20 नंबर में क्या लिखा है, यस बैंक के संस्थापक कौन है। अति महत्वपूर्ण है, पिछले साल के एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे एग्जाम में फिर सब छप सकता है। यस बैंक के संस्थापक कौन है ये पूछा गया था। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी वाला, राणा कपूर। राणा कपूर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप समझिएगा यस बैंक से, अति महत्वपूर्ण है। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और यस बैंक के एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दोस्तों प्रशांत कुमार। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों। तो आप प्रतिदिन उत्तर अकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।